नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नतीजे आ चुके हैं और इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने नहीं जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली हैं। लेकिन उसके बावजूद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम आपको बता दें कि हम मौजूद हैं बागपत लोकसभा के शहर बड़ौत में और ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं, दो सीटें मिली इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए और दोनों सीटों पर विजय हासिल की, वो चाहे बागपत हो या बिजनौर। अब जब शपथ ग्रहण होने वाला है, हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल को भी कोई मंत्रालय मिलेगा। यह बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, जो बचपन से लेकर के अब तक पार्टी के साथ में जुड़े रहे, आज मैं इन्हीं के पास में आया हूं और इनसे ये जानने के लिए आया हूं कि ये क्या आशा करते हैं, कि क्या राष्ट्रीय लोकदल को ये मान रहे हैं कि कोई मंत्रालय मिलेगा, और मंत्रालय मिलेगा तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा। देखिए, पिछले एक दिन से एक बात भी सबके संज्ञान में आई है कि जब एनडीए की मीटिंग हो रही थी, जब सब सहयोगी अपना समर्थन दे रहे थे, उस दौरान मंच पर जयंत चौधरी नहीं थे, ना ही तो मंच पर उनकी जगह थी और ना ही माइक उनके हाथ में दिया गया। तो क्या ये बीजेपी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे जो गलती हुई उसके पीछे का क्या कारण था, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ के जो ये लोग हैं ये क्या सोचते हैं उस बारे में, क्योंकि ये देखिए सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि जो जाट समाज है और जो आरएलडी समर्थक जो नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं या जो भी उनको वोट देने वाले हैं, जो उनकी कार्यशैली से खुश रहते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, वो नाराज चल रहे हैं। तो क्या हकीकत में ये नाराजगी है या फिर इस नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ किया जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इन्हीं से बातें करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर महक सिंह लोहारी। आप मुझे बताइए कि क्या सोचते हैं आप। देखिए, सरकार तो बनने जा रही है एनडीए की, क्या राष्ट्रीय लोकदल को आप ये मानते हैं कि कोई मंत्रालय मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो कौन सा मिलना चाहिए? देखिए, दुनिया में तीन व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी। ये लोग पूंजीवादी हैं। चौधरी चरण सिंह किसान और मजदूरों के मसीहा कहलाए। उनकी कभी भी बीजेपी से मानसिकता नहीं मिली। वो किसानों के लिए हरदम मरते धरते रहे और किसान और मजदूरों के लिए उन्होंने जो किया इस भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। रही अब की बात, भाजपा के साथ जो गठबंधन हुआ ये बेमेल हुआ, क्योंकि एक अमीर है, गरीब है, गरीब की और अमीर की खाई बहुत ऊंची होती जा रही है। और चौधरी जयंत ने जो भूल की है इनके साथ मिलकर, अगर ये भूल ना करते, उन अगर अकेले भी चुनाव लड़ते तो कम से कम 7 सीट लड़ते। और ये इसका लाभ हरियाणा में इन्हें मिला वो नकार दिया, राजस्थान में लाभ मिला वो नकार दिया। इनका काम है यूज एंड थ्रो। अब यूज एंड थ्रो उनका प्रयोग तो कर लिया और अब उन्हें दाता बता रहे। मंत्रालय अगर इन्हें दें, पहले तो कैबिनेट, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के लड़के हैं, और अगर इन्हें कैबिनेट नहीं मिलती तो इन्हें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार की परंपरा है। एक अनुप्रिया पटेल आवे, क्या मिला उसे? ओम प्रकाश राजभर है, उसे क्या मिला? निषाद ने क्या दिया इन्हें? और इन्होंने जिसने दिया आज उसकी उपेक्षा कर रहे। आप जो है दूसरी लाइन में बैठे, चौधरी जयंत। किसान कभी अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता, उसे चाहे मिलो या ना मिलो। और ये तो जाट है, जाट कभी भी झुकता नहीं, और झुके हुआ जाट टुट्टी खाट कुछ नहीं होती। अगर मंत्रालय मिले ना तो कृषि देना चाहिए, कृषि मिलना चाहिए। यानी कि कल जो हुआ उसे आप लोग खुश नहीं है, जिस तरह का जो बर्ताव किया गया? पहले तो हम इस गठबंधन से ही खुश नहीं थे, और फिर जो भी जयंत के पीछे थे उनके कहे पर वोट दे दिया। जयंत के पीछे जन्म से,
जब हम 1967 में पढ़े थे तब राजनीति में हमने चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी। उस दिन से आज तक लोग चौधरी चरण सिंह परिवार से अलग नहीं गए, लेकिन जैन जी के साथ जो किया वो गलत किया। और अगर कोई भी आदमी हो जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ नहीं जाया करते। जी आपका नाम क्या है बाबा जी? सुखबीर सिंह। आपके कैसे विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए नई सरकार बनने जा रही है, जयंत चौधरी को किस भूमिका में देखना चाहते हैं आप? जयंत चौधरी को हम सबसे अच्छी भूमिका में देखना चाहते हैं और ये हमारी ये इच्छा है कि उनको बहुत बढ़िया विभाग दिया जाए। बस इतनी हमारी कामना है। जी आपका नाम क्या भाई साहब? अमित कुमार। तो अमित जी आप मुझे बताएं कि किस तरह से देखना चाहते हैं आप ये नई भूमिका जो सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से इसमें सहयोगी बन के साथ निभाएगी और आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ये गठबंधन हुआ ये हमारी विचारधाराओं के और किसानों की विचारधाराओं के बेमेल गठबंधन है, उनके खिलाफ ही है। ये सरकार से कोई मेल तो खाता ही नहीं, लेकिन चलो जैसे भी गठबंधन हो गया और सफलता भी मिल गई। अब तो हम यही मतलब इच्छा जाहिर कर रहे कि भाई जितना भी समय कटे इनके साथ में हमारा वो ठीक ठाक कट जाए और अच्छा मंत्रालय मिल जाए और किसानों के हक में कोई फैसले, जयंत जी ऐसा प्रभावशाली मंत्रालय तो मिल जाए कम से कम जो किसानों के हक में कोई फैसले ले लें और किसानों का उद्धार हो जाए उन फैसलों से। अब तो आपने एक बात कही कि अब तो जितना भी समय कट जाए, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा भी है क्या समय कटना मतलब भारी आपको लग रहा है? देखिए ये तो कह रहे हैं आरएलडी के नेता, मैं कई नेताओं से बात करता हूं, वो कहते हैं कि देखिए ये दूध और पानी का मेल है, ये तेल और पानी का मेल नहीं है। नहीं जी नहीं, ये समय लंबा नहीं चलेगा इनके साथ, लेकिन बस भैया यही है कि जितना भी चले बस उसमें लाभ मिल जाए बस। अब तो यही है, सरकार में शामिल हो गए भाई, खुद भी जयंत जी जो है राज्यसभा है और दो हमारे सांसद भी है। अब बस ठीक है, उनके हिसाब से जितना भी हमारा परसेंटेज सरकार में मिले उससे हमें लाभ मिल जाए। भाई गन्ने की समस्या है, किसानों की बहुत काफ़ी समस्या है, उनका हल हो जा, अब तो यही इच्छा है हमारी। यानी कि जो कुछ भी हो बस किसानों का भला होना चाहिए, कमेरों का भला होना चाहिए। बस यही लड़ाई है हमारी इनके साथ, भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में यही तो लड़ाई थी। लड़ाई कहाँ बची, अब तो गठबंधन कर लिया, साथ निभा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार का साथ निभाएंगे, जैन साहब खुद कह रहे हैं। तो वो जब ही तो कह रहे हैं, साथ भी तो जब ही निभाओगे, जब कुछ हमारी पूर्ति होगी वहाँ से, अगर मान लिया जो हमारे वादे हैं, जो जयंत जी ने उनके सामने शर्तें रखी होंगी, जो मिले होंगे मिलते वक्त शर्तें रखी गई, कम से कम वे तो पूरी हो जाए, अब वही सरकार की बस सफलता है, हमारी भी सफलता है बस। जी भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम संजीव तोमर। तोमर साहब आप मुझे बताएं आप किस तरह से देखते हैं, अब जब नई सरकार बनने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? देखिए अब चौधरी जयंत जी को इन्हें अच्छा विभाग देना चाहिए। जब पहले जब इनका समझौता हुआ, जब इन्होंने ये कहा था कि हम आपको मंत्रिमंडल में अच्छा विभाग देंगे, मंत्री पद देंगे, अब ये अब उस बात से जो है कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए और किसानों से संबंधित मंत्रालय मिलना चाहिए इनको। अब जो है जो किसान से संबंधित मंत्रालय, अच्छे से अच्छा जो मंत्रालय है किसानों से संबंधित, वही मंत्रालय चौधरी साहब को मिले और कैबिनेट में मिले। और दूसरी बात ये, अगर इससे नीचे का विभाग देना चाहते हैं या राज्य मंत्रालय कोई सा और देता कोई वो है, तो इसे चौधरी साहब को नहीं लेना चाहिए, एनडीए के साथ रहना चाहिए। और जो उन्हें कह देंगे मैं एनडीए के साथ हूँ लेकिन मैं कैबिनेट से नीचे का मंत्रालय नहीं लूँगा। देखिए चौधरी जयंत जी ऐसे परिवार से संबंधित है, उनके दादा प्रधानमंत्री सारे पदों पर रहे, किसानों के हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, इतने बड़े परिवार का होने के बाद भी उसको पीछे बिठाया जा रहा, जहाँ 13 कुर्सी थी वहाँ 14 भी डाल सकते हैं, 13 में और 14 में कोई जगह की तो कमी पड़ नहीं गई, कोई कुर्सी की कमी नहीं पड़ेगी। वो तो आदमी का एक मान सम्मान है, उस मान सम्मान के भी जो है उन्होंने जो है अपना निभाया नहीं। सही बात है, जहाँ इतनी कुर्सी डाली एक और डल जाती, जिसके एक सांसद थे उनको आप मंच पर बैठा रहे हैं, उनको बुला करके उनका भाषण दिलवा रहे हैं और उन्हें पीछे बैठाना और एक नीचे उसमें बिल्कुल ही उनमें कर देना, तो वह जो है बात बहुत हमें पच नहीं रही, यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं पच रही है बात। अब चौधरी साहब का एक ही एनडीए के साथ रहे, जी जान से रहे, जब साथ निभाया है चुनाव के दौरान तो चुनाव के बाद भी साथ रहे, साथ निभावे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन अगर वे मंत्रालय कैबिनेट से नीचे देते हैं कोई राज्य मंत्री वगैरह तो उसे मत ले,
उन पे छोड़ दे भाई, ठीक है प्रो, मैं इससे नीचे का मंत्रालय ले लूँ और किसानों से संबंधित ही मंत्रालय ले ले जिसके ऊपर हमेशा में लड़ाई लड़ते रहे, चौधरी चरण सिंह भी, अजीत सिंह भी और चौधरी जयंत जी भी। जी दाऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। आप मुझे बताएं, इस नई सरकार में आरएलडी की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई आरएलडी की भूमिका तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जाटू का गढ़ था ये, और चौधरी साहब ने जो फैसला लिया वो अच्छा ही लिया सोच के, हम तो वोटर हैं। यानी एनडीए के साथ में जाने का जो फैसला था वो ठीक था। लेकिन एक बात बताइए, कल जिस तरह का व्यवहार हुआ आपके हिसाब से क्या वो ठीक था? नहीं, उससे तो हम खिन्न हैं जी, ये व्यवहार तो होना नहीं चाहिए। वो एक कद्दावर नेता है और उनके साथ में ये व्यवहार ठीक नहीं है उनका। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर किया गया, शायद वो किसी की गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग से ठीक है बैठाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनका भाषण अनुमोदन तो कराना था। नहीं, जो एक एक उसके पार्टी के एक एक नेता, एक आप पार्टी से एक है और माझी को भी बुला लिया, तो उनको कहाँ भूल गए, इतने बड़े नेता को हमारे, उसको कैसे भूल हो सकती है? ये तो जानबूझ के किया उन्होंने, ये कोई भूल नहीं है, ये जानबूझ के किया। तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब जो ये डैमेज जो हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मंत्रालय दिया जा सकता है, और मिलेगा तो फिर कौन सा मिल सकता है? नहीं, मिलेगा तो कैबिनेट स्तर का ही उन्हें मिलना चाहिए, राज्य स्तर का नहीं हम स्वीकार नहीं करना चाहिए उन्हें, कैबिनेट स्तर का ही मंत्री हैं वो, पहले से ही रहे, छोटा मोटा मंत्रालय उनके लिए शोभा नहीं देता। मतलब या तो कृषि हो या फिर उससे संबंधित कोई आसपास का उद्योग मंत्रालय हो या कृषि मंत्रालय हो, उनके पिताजी भी रहे, अजीत सिंह भी रहे। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? विनेश तोमर। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताएं कि इस नई सरकार में आरएलडी की भूमिका आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? देखिए, इसकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जाटलैंड कहा जाता है, वहाँ भी कुछ विकास हो, जहाँ से इस परिवार को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, छपरौली विधानसभा सीट से शुरू होकर के पूरे हिंदुस्तान में जनाया इन्हें, तो मेरा ये मानना है कम से कम इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। रही जहाँ तक कल की बात जो हो रही, कुर्सी दूसरी लाइन में दी गई से, वो बेहद ही दुखदाई है। वास्तव में हमारे क्षेत्र में काफ़ी रोष है इस बात पर, इसकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। पहली बात ये है कि वास्तव में इस क्षेत्र में बेहद इसे गलत मानने का कि इनसे पैक्ट कर लिया, चूँकि 10 साल जिस पार्टी के विरोध में रहे, लेकिन चूँकि जो वेस्ट का जो क्षेत्र है, पश्चिम का जो क्षेत्र है, आज तक इन्हीं के पीछे रहे, उस बात को बोल के भी इसका साथ दिया। और वही तो, इतनी सब बातें होने के बावजूद चुनाव में इतनी बड़ी जीत यहाँ बागपत लोकसभा से 1,60,000 वोटों से जीतना डॉक्टर राजकुमार सांगवान का, ये ऐतिहासिक है। बिल्कुल, इसी कारण से, चूंकि यहाँ के लोग इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, इस परिवार को। हाँ। ये है सबसे बड़ी बात। और रही जहाँ तक जाटू की बात है, हरियाणा में देख लो क्या नतीजा हुआ, राजस्थान में देख लो, वहाँ की जो जाट लोबी है इस पार्टी के खिलाफ है। तो मेरा ये मानना है, जो घटक दल है या जो प्रधानमंत्री है, इस बात पे विचार करे कि ये छोटा नेता नहीं है जयंत, ये छोटा नेता नहीं है, जिस तरह से कल इसके साथ व्यवहार किया, ये कहीं ना कहीं छोटा समझने की भूल की गई, वो चाहे किसी भी स्तर पर हुई। जी जी, बेहद गलत है और इससे वास्तव में नाराजगी है। अब जो ये डैमेज हुआ है कंट्रोल करने के लिए, मतलब मंत्रालय चाहिए और वो भी तकड़े वाला, कम से कम कैबिनेट दर्जे का मंत्री, राज्य मंत्री नहीं है, कैबिनेट स्तर का, जिससे इस क्षेत्र का भला हो सके। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम राम मेहर सिंह है। आप किस तरह से सोचते हैं, देखिए नई सरकार में अब क्या भूमिका होनी चाहिए राष्ट्रीय लोकदल की? अब तक तो साथ दिया, क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में इसी तरह से साथ देती रहेगी आरएलडी पार्टी बीजेपी का? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे चौधरी जयंत हैं, एनडीए के साथ ये पहली बार मिले हैं, इसका भी कारण वही जानते होंगे। हमने तो मिले तो पहली बार ऐसा नहीं है, 2009 में भी गठबंधन हुआ था अजीत सिंह के समय पर, जब 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 जीती थी राष्ट्रीय लोकदल ने। हाँ, उनको कुछ उम्मीद है कि शायद अब की बार हमारा कहीं कंसीडरेशन हो जाए, हमारे बारे में भी विचार करें। और जयंत चौधरी
वो किसानों के नेता हैं, न कि जाटों के नेता। जाटों का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व तो किसानों का करते हैं। और ये सरकार हमेशा किसानों की उपेक्षा करते रही, दोहरी नीति की सरकार है। इसको तो अभी तक समझ नहीं पा रहे वे लोग, शायद मेरे विचार से इसको बच्चा ही समझ रहे अभी तक। इतना महत्व नहीं दिया जा रहा, जब से इतने ऐसे परिवार से बिलोंग करता है तो ये तो शरीर को, सरकार को तो इसके प्रति गंभीर रहना चाहिए था। चलो ये भी सहन करते हैं कि भाई आगे देखो क्या करते हैं, कैसा मंत्रालय इनको ये देते हैं। अब आगे की रणनीति तो लोगों के मन में बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। हमारे सांगवान जी अभी जो चुनाव जीते हैं वो इतने साफ छवि के प्रत्याशी हैं। यहाँ अब हम जिस स्थली पर बैठे हैं, जितने भी चुनाव हुए इस कार्यालय में, सबसे पहली बात तो यह है कि सांगवान जी के जीतने से ये हमारी स्थली भी पवित्र होगी। जितने सौम्य स्वभाव के, जितने सीधे वो आदमी हैं, इसकी कीमत बढ़ गई। लोग इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे लोग कार्यालय को। अब यहाँ जो चुनाव में आता है वो जीतता ही नहीं, कितनी अच्छी जीत करी, कितना अच्छा लोगों का साथ मिला, और हम तो उसकी जीत से सब गदगद हैं। अब ये इंतजार कर रहे कि देखते हैं कि वो इनकी इच्छा के अनुसार इनको मंत्रालय दें या अपनी इच्छा के अनुसार वो मंत्रालय दें। अच्छी बात तो ये है कि चौधरी साहब से पूछना चाहिए उन्हें कि आप अधिक से अधिक हित करने के लिए आपको कौन से मंत्रालय की जरूरत है जिसमें आप ज़्यादा लोगों के काम आ सकें। क्योंकि कल दिन में ये जो काम हुआ, उस काम होने के बाद में ऐसी भी खबरें आई कि रात को जो बैठक हुई, जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जयंत चौधरी को बुलाया और उनसे बातचीत की। अब देखिए ये अंदर खाने की बात है, अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ी ही देर बाद हमें पता चल जाएगा कि जब मंत्रालय डिसाइड होगा तो किसको क्या मिलने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि उनको मतलब मनाने की समझाने की बात भी रात को हुई होगी क्या? हाँ, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। जब उनको बुलाया गया, काफ़ी लोगों को बुलाया गया, मंत्रालय के बारे में ही कुछ बातचीत जरूर हुई होंगी। अभी तक वो बात सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जरूर कुछ न कुछ बात हुई है। अब तो समय बताओगे कि कौन सा मंत्रालय उनको वो देंगे, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छा ही मंत्रालय उनको दिया जाएगा ताकि वो अधिक से लोगों की सेवा कर सके, अपने सच्चे मन से सेवा कर सकें, अपेक्षा के अनुरूप जो है सेवा कर सकें, और इस क्षेत्र का एक अलग से पहचान हमारी बनी रहे, ये है सबसे बड़ी बात। अब उसका तो यही है कि वो तो उन्हीं लोगों को सही जाता है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। यानी कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मलाल तो है कि भाई यहाँ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपका तजर्बा क्या कहता है, मतलब क्या लगता है आपको कि ऐसा कैसे हुआ होगा, गलती से भूल हुई है या फिर मतलब जानबूझकर किया गया है? अब ये मैं तो ये मानता हूँ कि वो उनकी दोहरी नीति है, इसको बच्चा ही समझ के इसका इतना महत्व नहीं दिया गया उनको, जबकि एहसास तो जरूर होगा उनको। अब तुमने अच्छा नहीं किया, लोगों के अंदर रोष है। अब थोड़ा सा एक है कि वो चौधरी साहब को भारत रत्न दे करके यूँ मान रहे कि सब कुछ दे दिया, जबकि भारत रत्न तो चौधरी साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और हमारे लिए तो भारत रत्न से बगैर रत्न मिले ही जाते थे वो तो। आपकी नज़रों में वो पहले ही भारत रत्न थे? पहले ही भारत रत्न थे वे, उनको इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई अच्छी बात है, चलो सम्मान मिला उनको, ऐसे बहुत से लोगों को सम्मान मिला, लेकिन सम्मान उनका सच्चा सम्मान तभी होगा जब कृषि नीतियां लागू करें, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है लागू करें, जो अपेक्षा है लोगों को। जी आपका नाम क्या? यशपाल सिंह धामा। तो धामा जी आप मुझे बताएं कि इस नए मंत्रिमंडल विस्तार में जब जो होगा तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या सोचते हैं आप, किस तरह से मतलब सहयोग होना चाहिए? देखिए चौधरी साहब ने जो गठबंधन किया है किसानों के विकास के लिए किया है, हम चाहते हैं कि इन्हें वो मंत्रालय दिया जाए जिससे कि किसानों का विकास हो, कम से कम कृषि मंत्रालय दे दिया जाए, और जिससे कि जो मुद्दे लेकर चौधरी साहब गए हैं इस पार्टी में भाजपा में, वे किसानों के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर किसानों की भलाई होनी चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है तो मोदी जी और हमारे
राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत जी को जब अच्छा मंत्रालय मिल जाएगा तो दोनों के सहयोग से किसानों का भला होना चाहिए। लेकिन जो ये कल हुआ प्रोसेस, जो मंच पर जगह नहीं दी गई जयंत चौधरी को, तो आपको क्या लगता है कि ये भूल हुई या फिर जबरन मतलब ये किया गया सोच समझ कर? नहीं, ये तो ऐसा गलत हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो भूल भी हो सकती है, लेकिन अगर जान पूछ के किया है तो गलत किया उन्होंने। चौधरी साहब की इज्जत है, चौधरी साहब के पीछे बहुत बड़ी लोगों का समर्थन है, अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे जान पूछ कर करेंगे तो भूलवश हो सकता है, अगर जान पूछ कर करेंगे तो गलत करते हैं। चौधरी साहब कोई वैसे छोटे नेता नहीं है, भविष्य के हमारे चौधरी चरण सिंह की छवि उनके अंदर है। जी बोलिए। जैसे जयंत चौधरी साहब अब उसमें एनडीए में गए हुए हैं, छात्रों के हित में जो उनकी उम्र लीडर अग्निवीर योजना पे मोदी जी को भी, मैं तो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील करता हूँ कि हटके पुनर्विचार करा जा कि बहुत छात्र बेरोजगार है, उनकी उम्र निकलती जा रही है, वे इतनी भुखमरी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर ध्यान दे। और खासकर चौधरी जयंत जी को जब उनके साथ गए एनडीए में, उन्हें भी जैसे केसी त्यागी जी ने ये मांग रखी है कि उन्हें मांग करी है कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार किया जाए और जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं उन पर जो है कम से कम जो है हर वर्ष ऐसी तरह से नौकरी निकलनी चाहिए कि बच्चों की उम्र ना निकले, उन्हें रोजगार मिले। ये विशेष ध्यान से जयंत जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं तो यही अपील करता हूँ कि बच्चों की बेरोजगारी हर वर्ष जो है उनकी उम्र निकल गई, कोरोना काल में फिर वैकेंसी कम आई, तो कम से उन बच्चों का भला हो। और यह अग्निवीर जो योजना है इसमें बच्चों में इतना आक्रोश है छात्रों में, उसमें वे बहुत ही बेरोजगार हो गए, इस पर हटकर पुनर्विचार करा जा और पहले की तरह ही ये योजना लाई जा। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, राष्ट्रीय लोकदल के ये समर्थक, इन्होंने पहले तो ये कहा कि देखिए जो कुछ भी हुआ, गठबंधन हुआ, हमने खुशी ना होते हुए भी जयंत चौधरी का साथ दिया, जहाँ वो चले गए उनका समर्थन किया, उनको वोट दिया, उसके बावजूद अब जो ये घटना हुई उस घटना के बारे में इनका कहना है कि देखिए जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि शायद वो उनका राजनीतिक कद अभी छोटा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे परिवार के बेटे हैं जिन्होंने किसानों के लिए मसीहा बनकर काम किया है, और आज जयंत चौधरी भी किसानों के लिए मसीहा बनकर ही काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल को या फिर जयंत चौधरी को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।